अस्सलाम वालेकुम आल सी पीज़। जैसा कि साजिदुल अब्बासी हमारे डायरेक्टर जो हैं डायरेक्टर सांगर के, उन्होंने एक टास्क दिया था वीडियो बनाने का। तो एक सिंपल वे मैं आपको बताता हूँ वीडियो बनाने का। सबसे पहले आपने वी एन स्टूडियो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसका कुछ डिस्प्ले इस तरह से आएगा, ये आप ओपन करें, इसका ये डिस्प्ले है। यहाँ से आपने ये प्लस का जो निशान है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों आ जाएंगी। आप फ़ोटोज़ में जाएंगे तो अब मुझे जो है ना मैप पर बात करनी है। मैप पर बात करने के लिए मुझे एक मैप पाकिस्तान का चाहिए और चार सूबों की मैंने पिक्चर्स पहले से डाउनलोड कर लिए हैं। इनको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये सिलेक्ट हो गई, और इन्हें जो है इम्पोर्ट कर दूँगा स्टूडियो में। अब ये कुछ इस तरह से ये पिक्चरें इसमें आ गई हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा क्रिएटिव बनाते हैं। इसको जो है ना सबसे पहले मैप पे मैंने ज़्यादा बात करनी है, तो इसे इस तरह से मैं खींच कर बड़ा कर लूँगा, जो पाकिस्तान का मैप है। और उसके बाद ये एक ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है की फ्रेम का, ये ऑप्शन है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने एक मिसाल है बात करनी है इंडिया पे, कि पाकिस्तान के जो है किस साइड पर इंडिया है। तो इसको आप जूम आउट कर लेंगे। जूम करने के बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पर फिर आप दोबारा की फ्रेम लगाएंगे और नीचे ऑप्शन देखें फिट टू स्क्रीन, दोबारा ये पिक्चर उसी हालत में आ जाएगी। फिर आप आगे जाएंगे, अब आप अफ़गानिस्तान को जूम करेंगे, की फ्रेम लगाने के बाद अफ़गानिस्तान को जूम करेंगे ये इस तरह से। अब वापस जो है आप नीचे फिट टू स्क्रीन कर देंगे, थोड़ा सा आगे जाकर, थोड़ा आगे पिक्चर को करके फिट टू स्क्रीन कर दिया, सेम उसी पोजीशन में आ गए। अब हमने करना है चाइना को जूम, थोड़ा आगे जाएंगे और एक और की फ्रेम लगा देंगे यहाँ पर एक और की फ्रेम लगा दिया, और लगाने के बाद हमने चाइना को जूम किया कि पाकिस्तान के कौन सी साइड पर चाइना है। तो उसके बाद थोड़ा आगे जाकर दोबारा फिट टू स्क्रीन कर देंगे, वापस उसी पोजीशन में आगे। फिर कुछ और पिक्चर हमने ली थी सुबह सिंध की, तो इसके बीच में देखिए प्लस का निशान था, तो प्लस के निशान पे हम एनिमेशन डाल सकते हैं कि एक पिक्चर के बाद दूसरी पिक्चर किस तरह से आए। तो हम इसमें से कोई अपनी मर्जी का एक एनिमेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब दोबारा थोड़ा आगे जाएंगे, अब नक्शा चेंज होगा पंजाब का, तो उसमें देखते हैं अब दूसरा लगाते हैं एनिमेशन। एक और एनिमेशन हमने लगा दिया, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, इसके बीच में जो प्लस का निशान है वहाँ पर एक एनिमेशन दे दिया। अब थोड़ा और आगे गए, एक और प्लस का निशान है, आखिरी जो हमारा नक्शा है बलूचिस्तान का, उसमें हमने एक एनिमेशन दे दिया। अब ये कुछ इस तरह से इसका व्यू होगा। अब म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अब हम ओवरवॉइस के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे माइक पर, यहाँ से हम जो है हमारी वीडियो प्ले हो जाएगी, उस हिसाब से हम अपना जो है स्टोरी जो हमने बनाई हुई है वो बताएंगे। मिसाल के तौर पर ये इंडिया है, अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान के चार सूबे हैं, सबसे पहले सिंध, उसके बाद आ गया पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। अच्छा, डाउनलोड करने का इसको जो है ना सेव करने का तरीका है, इसकी रेजोल्यूशन वगैरह आप जो वो सेम ही रखिएगा। वैसे टिकटॉक या यूट्यूब इनके लिए अलग अलग होती है, लेकिन आप सिंपल एक दफ़ा ये वीडियो बना लें। इसको अब यहाँ पे टाइटल दे दें, टाइटल देने के बाद आप इसे ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगी, आपकी गैलरी में आ जाएगी। तो वीडियो कुछ इस तरह से बनकर सामने आएगी और बैकग्राउंड में आपकी वॉइस होगी। तो जो हमारे डायरेक्टर साहब का जो विजन है कि हर टीचर को जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ आना चाहिए, तो आप वीडियो को क्रिएटिव बनाएं और ये साबित करें कि यस वी कैन डू दिस। अल्लाह हाफिज़। अमेजिंग।